हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मिंट की। मिंट को ग्रो करना बहुत इजी है और ये बहुत यूजफुल हर्ब है। इसके गुणों के बारे में आप में से किसी को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं मिंट लाई थी चटनी बनाने के लिए सब्जी वाले के यहाँ से। उसमें से 2 ब्रांचेस मैंने रख ली हैं क्योंकि मैं खुद कटिंग से अपने घर में मिंट को ग्रो करना चाहती थी। ये देखिए, इसकी नीचे की पत्तियों को आप निकाल दीजिए। पत्तियां निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप एक ग्लास में वाटर लीजिए। वाटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सिंपली बस ऐसे ही डिप कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरी कटिंग को भी इसमें ऐसे ही डिप कर दूंगी पत्तियों को निकाल कर। आप इनका पानी 3 से 4 दिन में चेंज कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 दिन हो चुके हैं। मैं इसका पानी चेंज करना भूल गई थी, इसलिए फ्रेंड्स मेरे कटिंग्स की पत्तियां थोड़ी पीली पड़ चुकी हैं। पर आप इसका पानी 3 से 4 दिन में ज़रूर चेंज करिए फ्रेंड्स। पर नीचे जड़ बहुत अच्छे से जड़ें निकल आई हैं और देखिए आप ब्रांचेस भी निकल रही हैं इसमें नीचे से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी लंबी लंबी सी जड़ें निकली हैं इसमें। पत्तियां भले पीली पड़ चुकी हों पर कटिंग में जड़ें बहुत अच्छे से निकली हैं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें अच्छे से रूट्स आ चुकी हैं। तो अब इसे हम पॉट में लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉटिंग मिक्स के लिए 80% गार्डन सॉइल ली है और 20% मैंने गोबर की खाद ली है। अब कटिंग्स को इसमें हम लगा देंगे। इसकी मिट्टी को अच्छे से दबाइएगा। मिट्टी को दबाने के बाद आप इसमें अच्छे से पानी दीजिएगा। मिंट एक वाटर लविंग प्लांट है, इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मिट्टी को आप ड्राई मत होने दीजिएगा, इसे हमेशा आप मॉइस्ट रखिएगा। और इसे 2 से 3 घंटे की धूप जरूर लगनी चाहिए, इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर दिन में 2 से 3 घंटे धूप आती हो। ये देखिए फ्रेंड्स, 20 दिन के बाद मेरी कटिंग कुछ ऐसी हो गई है। ये देखिए कितनी हेल्दी है। और इसमें जो नीचे से ब्रांचेस निकल रही थी वो अब थोड़ी ऊपर आ चुकी हैं, इसलिए इसमें नीचे भी छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से आप भी घर में आसानी से मिंट ग्रो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।